हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिल वन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल pcgyan1। आज मैं आपको गूगल के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम को जैसे मैंने ओपन किया, यहाँ पर मेरा गूगल क्रोम खुल गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने न्यू टैब है, यहाँ उसमें है। ठीक है, अब इसमें मैं जैसे गूगल को सर्च करना है, गूगल को सर्च किया मैं। ठीक है, गूगल, ये गूगल का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो गूगल को सर्च किया और आ गए हम गूगल के मेन पेज पे। ठीक है, यहाँ से भी हम गूगल को तो फिर यहाँ मैं इसके कैलकुलेटर फीचर को आपको बताने वाला हूँ। तो कैलकुलेटर फीचर का यूज़ कैसे करना है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखते हैं इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी नंबर इंटर करना है जिसका आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं। जैसे सपोज़ मैं एक कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, जैसे कि कोई बड़ा नंबर। ठीक है, कोई बड़ा नंबर मैं यहाँ पर इंटर करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैं इसको घटाना चाहता हूँ, 3 4 5 6 6 7 8 से। ओके, तो ये माइनस नहीं आ रहा, तो इसको माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एंटर कर देना है इक्वल। ओके, फिर आपको सर्च कर देना है, फिर क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये रिजल्ट आया। ठीक है, आपके सामने एक कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जिसका यूज़ आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर fx करके दिया है, तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो यूज़ करते थे अपने गणित में, वो भी यहाँ पर दिया गया है, तो उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं यहाँ से ईज़िली। ठीक है, और जैसे मैं इसको कट कर देता हूँ, कट कर दिया, फिर उसका हिस्ट्री यहाँ पर आ जाता है। और इसके अलावा फिर आपका ये ओपन हो गया, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये आ गया। और जैसे कि और अदर है जो अब ये ओपन ना हो, तो आप सीधा यहाँ ब्राउज़र पे जाके अपना कैलकुलेशन लिखें। जैसे कि मैं और एक बार करके बता देता हूँ, 60 into 40 इक्वल टू सर्च। तो देखा आपने, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 2400। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, चाहे तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल pcgyan1। ओके, बाय बाय।